أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال النبي صلى الله عليه وسلم رضى الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الاحترام قابل عزت کریم محترم بزرگوں دوستو عزیز طالب علم ساتھیو ماہ رمضان المبارک دا اج آخری جمعہ ادا کرن واسطے میری اور تواڈی اللہ دے گھر حاضری ہوئی ہے دعا ہے پروردگار عالم تو اللہ تعالی اس ماہ مقدس دے اندر کیتی ہوئی عبادات اپنی بارگاہ مقدس وچ قبول فرمائے
भाई अतीक साहब ने जिम्मे उनवान लगाया है अजमत वालदैन, वालदैन दे हुकूक। इस उनवान दे चंद गुजारशात गोश गुजार करांगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान नु बहुत कुछ अता फरमाया। और इन्ना कुछ अता करन तो बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर भी ऐलान फरमाया है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। अगर शुक्र करोगे मैं अल्लाह और इजाफा करांगा। और अल्लाह दे एहसानात, अल्लाह दे इनामात इंसान इन्हां दी कदर करे। और इन्हां एहसानां दे विच्चों, इनामात दे विच्चों एक इनाम अल्लाह ताला ने वालदैन जैसी नेमत अता फरमाई। सपोर्ट है कोई सपोर्ट नहीं, तुहानू कहा सी गुजारिश की सी यार कर लो फोन हुण भी कर लो, कोई मुश्किल नहीं यार। वालदैन एक ऐसा रिश्ता अल्लाह ताला ने अता कीता है तो जिस रिश्ते का बदल कोई नहीं। और ऐसा अजीब अजीम रिश्ता है कि जिस रिश्ते के अंदर लालच, हिरस और तमा कोई नहीं। बगैर लालच तो, बगैर तमा तो, बगैर हिरस तो अगर कोई किसी लिए दुआवां करन वाला रिश्ता है तो वह वालदैन का रिश्ता है। और अल्लाह सुबहानहु व तआला ने कुरान करीम के अंदर जिथे अपना जिक्र किया तौहीद दा, वहदानियत दा, अपनी इबादत दा, वालदैन दा भी नाल जिक्र किया इताअत दा। उलामा ने लिखा कि हकीकी सबब इंसान दा दुनिया ते आंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और मजाजी सबब वालदैन ने। अल्लाह ताला ने हकीकी सबब का भी जिक्र किया और मजाजी सबब का भी जिक्र कर दिता। और जिस तरह अल्लाह अपनी इबादत ते राजी हुंदा है इसे तरह अल्लाह वालदैन की इताअत ते भी राजी हुंदा है।
वालदैन की फर्मा बरदारी अल्लाह की खुशनुदी है और वालदैन की नाफरमानी अल्लाह की नाराजगी है। कुरान कह रहे हैं वकदा रब्बू का अल्लाह ताबुदू इल्ला इया, तुहाड़े रब का फैसला है इबादत सिर्फ अल्लाह की होवे, सजदा अल्लाह नू होवे, नजरो न्याज अल्लाह की होवे और इतात फरमा बरदारी वालदैन की होवे। और जिस तरह आम दिनों दे विच वालदैन दी इतात और फरमा बरदारी दे विच अल्लाह अजर दिंदा है, रमजान उल मुबारक दे अंदर को बंदा वालदैन दी इतात फरमा बरदारी करे अल्लाह 70 गुना बढ़ा के अजर अता फरमांदे। हर बंदे ने रोजे रखे, नमाज तरावी अदा की थी, अल्लाह कल ईद का दिन है, अल्लाह अजर अता फरमाएगा। आओ भाई ईदगाह की तरफ आओ और अपनी मजदूरी का पूरा पूरा अजर लैके जाओ। और जिन्हें लोगों ने मेहनत की अजर मिलेगा और जिन्होंने रमजान उल मुबारक की कदर नहीं की थी, वो नूरानियत उन्होंने नसीब नहीं होएगी, बल्कि आवाज आएगी कि तुसी ईदगाह के करीब ही ना जाओ। और जेड़े कदर करके ईदगाह की तरफ जाएंगे, फरिश्ते गलियां और चौकों च खड़े होकर उन्होंने इस्तकबाल करेंगे। इसलिए कुरान की तिलावत करना अजर है, नफल पढ़ना अजर मिलता है, सखावत करन नाल अजर मिलता है, उमरा ते हज करन नाल अजर मिलता है, किसे नाल हुसने सलूक कीता जाए अजर मिलता है, अच्छे अखलाक नाल पेश आया जाए अजर मिलता है, किसे नु दीन पढ़ाया जाए, किसे को पढ़िया जाए अजर मिलता है। इस तरह अगर कोई बंदा वालदैन नाल खंदा पेशानी नाल पेश आंदा है, वालदैन दे हुकूक दा ख्याल रखता है, वालदैन दे हक नु पहचानता है कि ओ वालदैन बचपन दे अंदर मैनु किसे चीज़ दा पता नहीं सी, अगर मैनु चलना सिखाया ते वालदैन ने, बोलना सिखाया ते वालदैन ने, बहना सिखाया ते वालदैन ने, उठना सिखाया ते वालदैन ने, कैसा किसी नाल पेश आना है ये दस्या ते वालदैन ने, और वालदैन ने हर मोड़ ते मेरी रहनुमाई भी की थी और मेरे नाल वफा भी की थी। अज मैं जवान हो गया, आया मेरी पेशानी दे अंदर वालदैन वास्ते झुकना है, आया मेरी नजरां दे अंदर वालदैन वास्ते हया है, आया मेरी जुबान दे अंदर वालदैन वास्ते नरमी ते शिरीनी है, आया मेरी हरकात दे अंदर वालदैन वास्ते फरमा बरदारी ते इतात है। ए मैं अपने गिरेबान में झांक के वेखा कि भाई जेड़े वालदैन सारी जिंदगी मैनू उन्होंने बोझ नहीं समझिया, हूँ वालदैन मेरे वास्ते बोझ भी महसूस ना हो। तो इसलिए कुरान करीम ने तो यह ऐलान किया ना, लकद जा अकुम रसूल मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहिम आनित तुम्हारी सुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, कि अल्लाह ने तुहाडे को ऐसा रसूल भेजे है, बड़ा ही प्यार वाला रसूल भेजे है, जेड़ा हरीस है अपनी उम्मत वास्ते। ते जिस तरह आका अपनी उम्मत वास्ते हरीस ने, वालदैन अपनी औलाद वास्ते हरीस ने। जेड़ा बाप
अज बुढ़ापे की उम्र के अंदर ओदियां गल्लां सानू चंगियां नहीं लगदियां। और बेटा बड़े आराम ना कह बाजी इहो जिहा बोलियां ना मारिया करो। वह बई बचपन के अंदर जिहड़ियां तू मारदा रहा एक एक बारी पुछता रहा, सौ सौ बारी तेरा बाप जवाब दिंदा रहा, एक एक बारी चीज़ के मुतलक पुछता रहा, कदी बाप ने नहीं कहा बेटा तेनों एक बारी समझ नहीं आती, बेटा तेनों एक बारी पता नहीं चलता, बेटा तेरे जेहन में एक बारी गल नहीं बैठती, बार बार मैनू पुछ के मैनू तंग ना कर, तू सत्तर बारी पुछया, दीवार की तरफ इशारा करके अब्बा जी जानवर केड़ा बैठा है, ते तेरे बाप ने तेनू सत्तर बारी जवाब दिता कि बेटा ये फलां जानवर बैठा है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगो हर बंदा चाहता कि मेरा रब राजी हो जाए, चाहता कि नहीं बोलो, रोजे क्यों रखे ने, अल्लाह राजी हो जाए, और रोजे रखे भी तुसी अल्लाह वास्ते ने। एक रोज़ा ही है जिदे मुतलक अल्लाह फरमा रहे ना असौमुली व अना अजज़ी बिही, ओए रोज़ा मेरे लिए है इहदा बदला भी मैं दवांगा, या अल्लाह नमाज भी तेरे लिए है, कुरान की तिलावत भी तेरे लिए है, उमरा भी तेरे लिए है, हज भी तेरे लिए है, सखावत भी तेरे लिए है, रियाजत भी तेरे लिए है, रकू सजदे भी तेरे लिए ने, ए अल्लाह अच्छे अखलाक नाल को किसी नाल पेश आए ये भी तेरी रजा वास्ते है, अल्लाह हर इबादत हर अमल मुसलमान दा तेरी रजा वास्ते है, फिर बाकी अमलों के अजर फरिश्तिया को दवाना, अल्लाह रोजे का अजर आप क्यों दन्ना, अल्लाह फरमा देना गौर कर नमाज में दिखलावा हो सकता है, करोल खलोते बंदे नूं दसे कि बड़ा लंबा मैं सजदा करना, रकू लंबा करना, दिखलावा हो सकता है, सखावत कर रहे हैं दिखलावा हो सकता है, रियाजत दिखा रहे हैं दिखलावा हो सकता है, और हर चीज़ का बदला अल्लाह फरिश्तों को दवाएगा। रोजे की वारी अल्लाह फरमा पिछे आ जाओ, इदा अजर मैं आप देना, इदा अजर मैं आप अता करना। और कैसा मंजर होएगा, और एक रवायत ते आंदा अल्लाह फरमांदा ना असौमुली व अना उजज़ा बिही, रोज़ा मेरे लिए ते इदा बदला मैं रब आप हाँ, इदा बदला मैं रब आप हाँ। और महमूद ने एक दफ़ा ऐलान किया सी ना अपने वजीरां वास्ते, आओ भाई ए सोने के ढेर लगे ने, चांदी के ढेर लगे ने, माल का ढेर लग्या, उठाई जाओ तो ले जाओ, जिदे ते हाथ जिहड़ी चीज़ ते जिदा आएगा वो ओदी हो जाएगी। तो सारे वजीर दौड़ पे तो अयाज खड़ा रहा, तो वजीरा ने इतराज़ भी बड़ा सी अयाज से कि तुसी अयाज ना ज़्यादा प्यार कर दे। अयाज ने कहा भाई तू क्यों नहीं माल चुकया, उन्हें कहा जनाब तुसी जिहड़ी गल कही है दोबारा दोहराओ, जी मैं कहा कि जिहदे जिहड़ा हत्थ आ जाए वह चीज़ उहदी हो गई, उन्हें कहा जी फिर गल सुनो अगे होया तो बादशाह दे सर ते हत्थ रख दिता, जी मैं तुहाडे ते हत्थ रख दिता, तुसी मेरे हो गए, तुहाडे सारे खजाने मेरे हो गए। ओए जिदा अल्लाह हो गया जन्नत ओदी हो गई, जन्नत दे महल ओदे हो गए, सारी कायनात ओदी हो गई। अल्लाह फरमाना रोजेदार दा मैं हो जाना, रोजेदार दा मैं हो जाना। ए देखो अल्लाह के नबी कह रहे ने भी तुसी राजी करना अबू बकर, तेरा सारा सारा माल चुक के लिया के मेरी राह च लुटा देना मेरी रजा वास्ते। अबू बकर तेरा घर में बह के उच्ची आवाज ना कुरान पढ़ना रब की रजा वास्ते है, अबू बकर तेरा मेरे नाल चल के गार में डंग बर्दाश्त करना रब नू राजी करने वास्ते है। आओ मैं मुहम्मद दसा कि रब तुहाडे नाल किवें राजी हुंदा है। नमाजी नमाज पढ़ दे ताकि रब राजी हो जाए, कारी कुरान दी तिलावत कर दे ताकि रब राजी हो जाए, नफल पढ़न वाला नफल पढ़ दे ताकि रब राजी हो जाए, तरावी अदा करन वाला तरावी अदा कर दे ताकि रब राजी हो जाए, उमरा करन वाला उमरा कर दे। अल्लाह हर किसे नू करवा दे उच्ची कह दो आमीन, अल्लाह हर किसे नू हज करवा दे, बैतुल्ला दा तवाफ करवा दे, सफा मरवा दी सही करवा दे, अल्लाह दी रजा वास्ते कर दाए, कोई देग चढ़ांदा है अल्लाह नू राजी करन वास्ते, कोई छुप के सखावत करदा है अल्लाह नू राजी करन वास्ते, हर किस
किसी की अपनी नीयत। अल्लाह फरमाते ने ऐ मेरे महबूब ऐ कायनात दे ताजदार ऐ फखर रसूल ऐ मेरे महबूब अपनी उम्मत नु दसना कि मैं रब ऐलान पिया करना वा ऐ मुसलमान तू अल्लाह नु राजी करना चाहना वा ऐ मोमिन तू रब दी रजा चाहना वा ऐ मुसलमान मर्द तू चाहना कि मेरे नाल अल्लाह राजी हो जावे ऐ मुसलमान औरत तू चाहनी है कि मेरे नाल अल्लाह राजी हो जावे। आओ मैं मुहम्मद दा सनामा अगर तुसी चाहते हो कि साडे नाल रब राजी हो जावे ते आना अपने बाप नु राजी कर लेना अपने रब नु अब नु राजी कर लेना अपने हकीकी ते मजाजी बाप मजाजी खुदा नु राजी कर लेना। ऐ तेरा बाप है जिन्हें बचपन दे अंदर तेरे हर किसी दुख दा ए हामी बने आए तेरी खुशी नाल खुशी करदा रहा है तेरी गमी नाल गमी करदा रहा है तू तड़पे ते तेरा बाप भी तड़पदा रहा है तू रोवे ते तेरा बाप भी रोंदा रहा है तू मुस्कराए तेरा बाप मुस्कुरांदा रहा है। ऐ देखना तेरी जवानी दे अंदर तेरा बाप किन्ना राजी है जदो तू चलना सिखया है ते बाप दौड़ दौड़ के दौड़ा दौड़ा के बाजू फैला फैला के कहंदे आ जा बेटा मेरे वल दौड़ के आ जा ते तू दौड़ के आवे ते तेनू सीने दे नाल ला लवे। ऐ तेरा बाप बैठा है अज तू तोतलियां गल्लां पिया करना वा ते तेरा बाप जदों तू अपनी जुबान दे नाल अबू कहना वा जदों अपनी जुबान नाल पापा कहना वा जदों अपनी जुबान दे नाल अबू जान कहना वा ते तेरा बाप तेरे तो बड़ा ही राजी हो जांदा है तेरे बचपन दे अंदर सहारा तेरा बाप बने तेरे लड़कपन दे अंदर सहारा तेरा बाप बने तेरी जवानी दे अंदर तेरे मुस्तकबिल दा तेरा बाप सोचे तेनू सकूल ते मदरसे दे अंदर दाखिल करवाए कदी रेड़ी ला के पैसे कमा के तेरियां फीसा पूरियां करदा नजर आंदा है ते कदी मिस्त्रियां दे पिछे दहाड़ी ला के पसीना बहा के तेरे नखरे पूरे करदा नजर आंदा है। अज बाप अज तेरे बच्चे दा ख्याल पिया कर दे अपने बेटे दा ख्याल पिया कर दे कपड़े बाप पाए या ना पाए बेटे नू अच्छे कपड़े पहनावे आप खाए या ना खाए बेटे नू अच्छे खाने खिलाए आप आराइश सहूलत लवे या ना लवे बेटे लई सहूलतां दा सोचदा नजर आवे। अज तेरा बाप तेरी जात दे वास्ते तड़प तड़प के तेरी जवानी दिया दुआवा कर दे अज बच्चा जवान हो गया है अज बच्चा बड़ा हो गया है उसी जुबान नाल बच्चा ये गल कहना शुरू कर दे अब्बा तेनों ते पता ही कोई नहीं चलदा अब्बा जी तुहानूं ते गल दा पता कोई नहीं चलदा तुहानूं ये नहीं पता बह के गल केड़ी करनी है परा पंचायत विच गल केड़ी करनी है तुहानूं ये नहीं पता कि किस जगह ते किस तरह बोलना है। अल्लाह फरमांदे ने बंदिया की हो गया है तेनों ये तेरा ओहो ही बाप है जिन्हें तेनों चलना सिखाया ये तेरा ओहो ही बाप है जिन्हें तेनों बोलना सिखाया ये तेरा ओहो ही बाप है जिन्हें तेनों दुनिया के अंदर संभाला दिता। अज मेरा बेलाल पिया कर ला सोने ऐलान कर रब राजी करना ते बाप राजी कर ले। और इधर आ रहा है आया इधर इधर क्या हालात है तवज्जो। ऐ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का एक सहाबी है आकर आका जी मेरा बाप काफर है ते मैं एक दुकान बनाई है ते मेरा बाप मेरी दुकान तो आके बार बार चीज़ां ले जांदा है
दसो ने मैं किन्नी बारी जाके मना करा। आका फरमाते ने मैं दुनिया नू दसन आया वा के बाप दा एहतराम की करना है। सिर्फ मैं ही कोई नहीं, जेड़ी कायनात अंदर जेड़ा भी नबी आया है, इब्राहिम अलैहि सलातु वसलाम आए ने। इधर बाप पिया कहंदा बेटा गल सुन, जेड़े पुत मैं अपने हत्थां दे नाल बनाना वा इन्हां नू तू सजदा करिया कर, इन्हां नू तू खुदा मन्निया कर, इन्हां नू तू महबूद मन्निया कर, इन्हां नू मुश्किल कुशा मन्निया कर। ते मैं मेरा इब्राहिम अपने बाप दी ना फरमानी नहीं करदा, अपने बाप दा दिल नहीं दुखांदा, फिर भी बड़े प्यार नाल पुकार के कहंदा है या अबातिला ताबुद शैताला, अब्बा जी शैतान दी इबादत ना करो, रहमान दी इबादत करो, इन्हां बुतां दी इबादत ना करो, उस खुदा दी इबादत करो, इन्हां मूर्तियां दी इबादत ना करो जिहड़े तुहाडे नाल बोलदे भी कोई नहीं, जिहड़े तुहाडी गल भी कोई नहीं सुनदे, तुहाडी हाजत भी पूरी नहीं करदे। ऐ मेरे अब्बा जान, अज मैं इब्राहिम तुहाडे सामने मुअद्दी बाला गुजारिश करना कि या अबाती इल्ली खद जा अली बिलल इलम, मैं तेरे वास्ते ऐसा इलम लैके आया वा जिहड़ा तुहाडे कोलों कोई नहीं। मेरी गल मन लो, कामयाब हो जाओगे। अज दा पुत्तर हुंदा ओ तू तो मुशरक आ, तैनू तो पता नहीं चलदा तू तो बुत्तां दी इबादत करना, तैनू नहीं पता कि रब दी इबादत करनी है। अल्लाह ने हर नबी नू हिदायत दित्ती वालदैन दा एहतराम करना है, वालदैन दी कदर करनी है, वालदैन दा एहतराम करना है। ऐ कौन, अगर बाप अपने बाप दी हया कर दे ते बेटा इस्माइल भी अपने बाप इब्राहिम दी हया करदा है। बेटा मैं ख्वाब विच वेख्या है तेरे गले ते मैं छुरी पिया चलाना वा, ते बेटे ने आख्या अब्बा जान नबी दा ख्वाब भी वही हुंदा है, इस वास्ते जिहड़ा आर्डर अल्लाह ने दिता है ओनू पूरा कर दो ना। ये फिजा ने नजर था के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजल दी। बेटा भी फरमा बरदार है, हर नबी ने आके ये पैगाम दिता है अपने वालदैन की फरमा बरदारी करनी है, वालदैन नाल उसने सलूक करना है। मेरे आका ते कायनात दे इमाम ने, मेरे आका ते नबिया दे नबी ने, मेरे आका ते सरताजुल अंबिया ने, मेरे आका ते फखरुल अंबिया ने, मेरे आका ते बदरे मुनीर ने, मेरे आका ते सिराजे मुनीर ने, मेरे आका नबिया दे नबी ने, मेरे आका ते इब्राहिम दे भी नबी ने, मेरे आका ते आदम दे भी नबी ने, मेरे आका ते नूह दे भी नबी ने, मेरे आका इस्माइल ते इस्माइल दे भी नबी ने, मेरे आका याकूब दे भी नबी ने। अज बाप याकूब वल नजरां दौड़ा के देख बेटा दुख विच चला गया है ते बाप दे आंसू भी नहीं थमदे, नबी ने ये पैगाम दे दिता है जिवें बेटा बाप दा फरमा बरदार हुंदा है उवें बाप भी बेटे नाल बड़ा प्यार करदा है। रो रो के कहंदे ना यूसुफ मेरा मैनूं याद आंदा है, ते अपने आंसू बहा रहे ने, अखियां दी बसीरत खत्म हो गई। हर नबी ने पैगाम दिता है मेरे तेरे वास्ते बेटा नबी होवे बाप दी हया करदा है, बाप नबी होवे बेटे नाल प्यार करदा है। ते मेरे ते तेरे नबी ने फरमाया गल सुन मेरे सहाबी, एक वारी नहीं, दो वारी नहीं, चार वारी नहीं, सत वारी तेरी दुकान तो चीज उठा के ले जाए ते तू बोलना कोई नहीं, ते जदों अठवीं वारी आएगी फिर भी अदब नाल कहना अब्बा जान अब्बा जान अब्बू जी, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे ने, ये मेरे आका अदाब सिखा रहे ने, ये मेरे आका फरमा बरदारी सिखा रहे ने, मेरे आका
ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹਦੇ ਸਰ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਯਤੀਮ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਈਦ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਈਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਬਾਰਕ 6 ਸਾਲ ਏ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਆਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਕਾ ਜਾਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੋ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਸਾਥ ਜੋੜਨੇ ਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਗੀ। ਬਾਤ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਝ ਬਾਤ? ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੇਟਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਏ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਲ ਜੰਨਤ ਤਹਤਾ ਕਦਾਮਿਲ ਉਮਾਹਾਤ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੰਨਤ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ। ਜੰਨਤ ਮਾਂ ਦੇ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਬਾਪ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਵੀ ਤਰਸਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੈਠੇ, ਬਾਪ ਵੀ ਤਰਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਇਸ ਸੋਡੜ ਬੋਡੜ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾਹ ਬਿਨ ਉਮਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਦੈਨ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤਲਵਾਰ ਉਠਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜਿਹਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਏ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ। ਵੱਖੀ 'ਚ ਛਾਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਸਮਝਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਹਰਕਾ ਸਕਨਾ ਤੋਵਾ ਕਫਨੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫਨੈ। ਪਰ ਕਦੀ ਤੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਅੰਬ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਲ ਪਸੰਦ ਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਖੁਦਾਰਾ ਤਵੱਜੋ, ਬਾਪ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਬਾਪ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ, ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਏ, ਅੱਲਾ
तेनु पूरा पूरा अजर अता कर दे। अल्लाह मेरी बेटी मेरी फरमा बरदार है, अल्लाह तू इदे नाल राजी हो जा। अगर मैं मां बाप दी फरमा बरदारी करांगा अल्लाह मेरे नाल राजी हो जाएगा, शैतान मेरे नाल नाराज हो जाएगा। अगर मैं मां दी खिदमत गुजारी करांगा अल्लाह मेरे नाल राजी हो जाएगा और रहमान मेरे नाल राजी हो जाएगा। और मेरे आका ने फरमाया वालदैन दी इताअत दा सिला अल्लाह दुनिया विच दे दंदा है ते वालदैन दी नाफरमानी दी सजा भी दुनिया च मिलदी है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह बैतुल्लाह दा तवाफ कर रहे ने ते बड़ी दुनिया हज करन वास्ते आई है, बड़ी दुनिया। रात में दिल च ख्याल आया या अल्लाह इन्ने लोगों हज किया किदा किदा कबूल किया है, कहो सुभान अल्लाह, इन्ने लोगों हज किया किदा किदा कबूल किया है। तो ख्वाब दे विच अल्लाह ने दिखाया मालिक बिन दिनार हर किसी का हज कबूल हो गया है सिवाए मुहम्मद बिन हारून बलखी दे, उदा हज कबूल कोई नहीं होया। हज़रत हज तो फारग होए बलख तो सफ़र किया, पुछदिया चले गए मुहम्मद बिन हारून दे कोल और जाके सलाम किया, उन्हें जवाब दिता और वेखदे ही पहचान लिया, फौरी किया कि तुसी मालिक बिन दिनार हो रहमतुल्लाह। मालिक बिन दिनार हो? जी मैं मालिक बिन दिनार हाँ। तन्नू किवें पता चले है? मैं पहचान लिया। तो हज़रत फरमाते ने इबादत दे असरात उदे चेहरे ते, नमाज पिया पढ़ दे, कुरान दी तिलावत पिया कर दे, सजदे पिया कर दे, रकू पिया कर दे। अज रमजान मुबारक दे अंदर तुसां भी कुरान सुनिया, मैं भी कुरान सुनिया, उफाद ने कुरान पढ़िया, पढ़न दे विच भी मज़ा आया, सुनन विच भी मज़ा आया। मेरा तेरा पढ़ना हो रे, मेरे आका दा कुरान पढ़ना हो रे। इधर हमने कुरान पढ़ा है, हमारा अपना मजा है, अपना अल्लाह ने हमें अजर अता फरमाया। कैसा मंजर होगा जब हुजूर कुरान पढ़ते होंगे, सहाबा सुनते होंगे, जब अल्लाह के नबी कुरान पढ़ते होंगे और सहाबा सुनते होंगे। और हम तो कुरान सुनते हैं मस्जिद में और पढ़ते हैं, वो लोग थे जो अपनी औलादों को लोरियां भी कुरान की दिया करते थे, लोरियां भी कुरान से देते थे। ये अली का बेटा हुसैन है, अली का बेटा हसन है, किसने तरबियत की? मां फातिमा की तरबियत है, बाप अली की तरबियत है। बेटा मां बाप दा फरमा बरदार क्यों ना होवे? जेड़ा बाप ते जेड़ी मां अल्लाह दे फरमा बरदार होन, अल्लाह औलादा नू मां बाप दा फरमा बरदार कर देंदे। जेड़े माँ बाप रब दी ना मनन ते कहन बेटा साड़ियां गल्ला मन्ने, बेटी मेरियां गल्ला मन्ने, मेरी फरमा बरदारी करे, मेरी इतात करे, मेरे नाल उसने सलूक नाल पेश आए, मैं कपड़े देना, खाना मैं खिलाना, इदे स्कूल दी फीस मैं भरना, हर नेमत इनू मैं आता पिया करना। अल्लाह फरमा देना बंदिया जरा गौर कर, तू ते चंद चीजा जड़ियां मेरिया दितियां हुई अपने बेटे नू दिला ते शुमार पिया करना। तेनू चलन दी ताकत मैं अता की, तेनू बोलन दी कुवत मैं अता की, तेरे अंदर जान मैं पाई है, तेनू जवानी मैं अता की, तेनू बीवी मैं अता की, तेनू औलाद मैं अता की। तू आके मस्जिद दे अंदर मैनू सजदा नहीं करदा, तेरा बेटा तेरा किवें फरमा बरदार हो जाए, तेरी बेटी तेरी किवें फरमा बरदार हो जाए। तू नंगे सर के बाजार दे विच फिरे ते लोगां दे सामने हया ना करे, पर्दा भी कोई ना करे, गाराएं ते अजानें ते नमाज भी कोई ना पढ़े, चुगली ते गीबत दे बाजार गरम कर दवे ते कमे बेटी मेरी फरमा बरदार हो जाए। अगर तू चलना कि मेरा बेटा मेरा फरमा बरदार होवे, मेरी बेटी मेरी फरमा बरदार होवे, इबादत इंज कर जिवें अली करदा रहा। बेटी इबादत इंज करे जिवें फातिमा कर दी रही। ये उनकी इबादत की अल्लाह ने कुरान में तारीफें की है। कहाँ तारीफें की हैं? अली के बारे में कह रहे तराहुम रुकान सुज्जदा,
और देखो इसके रुकू, देखो इसके सजदे, देखो कितने बेमिसाल। असी नमाज पढ़न आईए तो जिहड़ी चीज़ सानू किते भी याद ना आए और नमाज याद आ जाए, तो घर जा कहना मैं नमाज पढ़ रहा, मैंने याद आ गया कि फलानी चीज़ कितने रखी है, हुंदा कि नहीं बोलो इंजी हुंदा। तो वो इमाम साहब भुल गए से ना एक मरतबा के पिछे मुक्त, हाँ यार दसो मैं तीन पढ़िया कि चार पढ़िया, तो एक बंदे ने बड़े वसूक नाल कहा जी तुसी तीन पढ़िया, उन्हें कहा जी क्यों तू किवें कह सकना, उन्हें कहा जी मेरिया चार दुकाना ना जी तिना का हिसाब होया, साडिया नमाजा ये ने, ते अली दी नमाज ओए तीर कट लिया जाए पता ना चले, खामोश अगर है तो दीन की पहचान अली है, बोलता है अगर तो लगता है कुरान अली है, कुरान ही तो देता है हमें ईमान की दावत, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है, ईमान ये कहता है कि मेरी जान अली है, पूछा मैंने कुरान से तो भी पढ़ता है किसी को, कुरान ने यूं कहा मेरा कुरान अली है। जे अली ना प्यार कर उच्ची कहो सुभान अल्लाह, होर उच्ची कहो सुभान अल्लाह। हसनैन के नाना की उसे दीद मिलेगी, कहता है जो ये बस मेरी जान अली है, अली अल्लाह दा फरमा बरदार है, हसनो हुसैन अली दे फरमा बरदार ने, फातिमा अल्लाह दी फरमा बरदार है, जैनब ते कुलसूम फातिमा दी फरमा बरदार ने। अल्लाह कहंदे ने मेरे सामने झुक, तेरी मतैता नू तेरे सामने झुकावांगा। बड़े असरात नजर आए, फरमाया तेरा नाम क्या है, उनका जी मुहम्मद बिन हारून बल्खी। तदर ने दिल च सोचा कि है तो रब का वली लगता है, सारिया निशानियां बुलाए दियां मौजूद ने, पुछया हज कीता जी कीता, ते फिर तेरे हज का की बने, उन्हें आख्या एक ने कीता मैं 24 साल तो हज पिया करना वा, 24 साल हो गए मैनू हज जा के करन दे, बैतुल्ला दा तवाफ करन दे, ते जदों मैं घर वापस आना ते कोई मैनू अल्लाह दा वली आके दसदा तेरा कबूल नहीं होया। ये तो अल्लाह ने साडे ते पर्दे पाए दे ना कि साडे रोजे कबूल होए कि नहीं होए, हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हम अल्लाह के सामने अपनी इबारत को पेश कर सके, या अल्लाह असी बड़े तगड़े रोजे रखे ने साडे कबूल ही होने ने, कोई पता नहीं कबूल हुए या मरदूद हुए, ये रब जानता है। फरमाया फिर 10-24 साल दे विच तेरा गुनाह की है, कहिंदा हज़रत साहब अल्लाह ने बड़ा पैसा दिता, पैसे दे अंदर मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरी हवा खराब हो गई, जदों पैसा मेरे कोल आ गया तो मैं किसी बंदे वाल वेखना ही तक छड़िया, ना अपनी माँ की गल मनदा सी, मेरा बाप दुनिया तो चला गया, एक दिन मैं बाहरों पैसे लैके गया माँ को मंग के, ते बाप तो बाद विरासत चंद महीनों च खत्म कर छड़ी, वापस आया घर के अंदर मेरी माँ अफतारी का इंतजाम पे कर दिए, माँ अफतारी का इंतजाम पे कर दिए, जिहड़िया मावां ते बहना अफतारी का इंतजाम करन, सुबह सहरी का इंतजाम करन, हाजी साहब आके मस्जिद च तहज्जुद पढ़न, हाजी साहब बैठ के कुरान की तिलावत करन, शाम के वक्त बह के दुआ करन, ते मावां ते बहनियां बहना अफतारी दे इंतजाम ते सहरी दे इंतजाम विच लगन। अल्लाह फरमा देना सोहणिया इन्हां नूं दस दे, तहज्जुद विच्चों सवाब इन्हां नूं भी मिलदा है, तिलावत विच्चों सवाब इन्हां नूं भी मिलदा है, इन्हां मर्दां दी दुआवां विच्चों सवाब इन्हां नूं भी मिलदा है। इस वास्ते मैं रब ऐलान पिया करना, ये अपने आप नूं हल्का ना जानन, मैं अल्लाह ने इन्हां दा बड़ा ही मकाम रखिया है।
मेरी माँ अफ्तारी का इंतज़ाम कर रही थी, मैं शराब पी के आया तो मैंने अपनी माँ से आते ही खाना मांगा, माँ जी मुझे खाना दीजिए। माँ ने क्या पुत्रा हया कर शर्म कर खुदा दा खौफ कर, रमजान उल मुबारक दा महीने अफतारी दा वक्त है, मैं नशे दे अंदर अपनी माँ दे चेहरे ते थप्पड़ मारिया ते माँ नू उठा के चल दे तंदूर दे अंदर सुट दिता ते मैं ते बेहोश हो गया। सारी रात मैं बेहोश रहा, सुबह मैनू होश आया, वेख्या मेरी बीवी भी बैग तैयार कर रही है, कपड़े डाल रही, क्या तू किधर? उन्हें क्या जिहड़ा माँ दा नहीं बनिया, क्यों जी मावां भैणां भी हैं ना जिहड़ियां कहदियां कि अगर तू माँ दा फरमा बरदार नहीं, माँ दा इताद गुजार नहीं, तो मैं तेरे नाल रहना नहीं चाहती, मैं तेरे नाल रहना नहीं चाहती, बसना नहीं चाहती। वो कोई कई ने जिहड़े कहंदे हाँ जे तू माँ वल गया तो फिर मेरे वालों भी गया, यही है ना, ये धमकी होंदी है पहले। और अपनी बुनियाद ही गलत है, तस्वीर पा के रुवारे फिरदे ने। अच्छा ए जी लड़के की तस्वीर है, ए बच्ची की तस्वीर है, खुदा रहा बच्चियों की तस्वीरें इन लोगों को ना दिया करो, ये जगह जगह जाके दिखाते हैं, रिश्तों को तार तार करते हैं, बेपर्दगी का मुजाहरा करते हैं। जो अल्लाह ने रिश्ता किस्मत में रखा है वो अल्लाह घर बैठे ही अता कर देगा। और रिश्ते से पहले अपनी बच्चियों की इन जहलों को तस्वीरें ना दिया करो, ये तस्वीरें दिखाते फिरते हैं जाके, ये देखो जी। और सवाल, अच्छा जी मुंडा की करता है जी, मुंडा तो एक माशाल्लाह जी अच्छा कमांदा है, तो मुंडे के भाई किन्ने ने? इन्ने भाई ने, सारे की शादी होगी होगी है। अच्छा मुंडे की माँ है? मुंडे की माँ तो नहीं है, चलो ये चंगा हो गया। जेड़ी माँ सारी जिंदगी इंतजार विच रहंदी है मेरा बेटा कदों सर ते सेरा सजाए, कदों मेरी बहू लै के आए, ओदी बुनियाद दे अंदर बहू वाले चाहते ने माँ ना होवे ते चंगे। मेरी बेटी नाल कोई लड़न वाला नहीं होएगा, मेरी बेटी नू सताण वाला कोई नहीं होएगा। खुदा रा ऐसे रिश्तियां कोलो पनाह मंगिया करो, वो रिश्ते इख्तियार करो जिहड़े तेरे माँ बाप नू अपना माँ बाप समझन, तू उहदे माँ बाप नू अपना माँ बाप समझ, फिर घर तेरा जन्नत बन जाएगा। ते मेरी बीवी ब्याह तैयार कर रही, समान त्याग कर रही, किधर जा रही हाँ, तू माँ का नहीं बनेगा, मेरा की बनेगा, मेरी माँ कितने चली गई? क्या बेईमाना तू माँ जलते तंदूर ते सुट देता, तेरी माँ तड़प तड़प के मर गई और कहती चली गई, मेरे बेटे नू मेरे जनाजे विच भी शरीक नहीं जे होल देना, मेरे बेटे नू मेरी दुआ विच भी शरीक नहीं होल देना, इसलिए बद्दुआ माँ कर दी चली गई। तो मैं उससे वक्त कुल्हाड़ी फड़ी, जेरे हथ नाल अपनी मां दे चेहरे ते थप्पड़ मारिया सी, ओ हाथ तलवार कुल्हाड़ी दे नाल कट दिता, ए मेरा कटिया हाथ मौजूद है हजरत साहब। उस तो बाद मैं एक नहीं 24 हज कीते ने, ते हर हज दे अंदर हर तवाफ दे अंदर अल्लाह कोलो रो रो के दुआवां मंगिया ने, अल्लाह दे सामने गिड़गड़ाया वा, अल्लाह कोलो इल्तिजावां कीतियां ने, अल्लाह नू बड़े वा पाए ने। जदों मैं हज करके वापस आ जाना ते मैनू किसे ना किसे दे जरिए इतला मिलदी है, तेरा हज अल्लाह कबूल कोई नहीं कीता, तेरा हज अल्लाह दे हां कबूल कोई नहीं। हजरत ने फरमाया दफा हो जा बेईमान, इतना बदबख्त अपनी मां नू जल्दी अग दे विच जला के ते तैनू अल्लाह के बंदे को क्यों मायूस करके आया, अल्लाह के बंदे को क्यों मायूस करके आया? आका जी गुनाह नहीं देखा कितना किया है, इतना बड़ा गुनाह किया है। अच्छा तो फिर इसकी तौबा नहीं? हुजूर इसकी तौबा कहां से हो सकती है? फरमाया मैं मुहम्मद दा सना इन्ने अपनी मां दी वजह नाल ही बख्शिया जाने। आका जी किवें? मैं कल क्यामत दा दिन होना है ते मां ने मुकदमा दायर करना रब दे दरबार च, अल्लाह के दरबार में मुकदमा दर्ज करना है, तो रब ने पूछना हाँ की चाहनी आ? अल्लाह मेरे बेटे मैनू अग विच जलाया है,
ते अल्लाह मेरा बेटा भी इनू सजा मिलनी चाहिदी है। अल्लाह ऐलान करेगा इनू पकड़ के जहन्नम विच सुट दाओ। ते जदों मां ऐलान सुनेगी बेटा जहन्नम विच जा रहा है, बेटा अग विच जा रहा है, ते रो के कहेगी परवरदिगार अम्मा वर्गी जमाने ते नेमत नहीं, अम्मा शजरे मोहब्बत दी है ठंडी चा, माँ दे कदमा तले नजरे जन्नत भरी, इस तो वध के जमाने ते नहीं कोई था। बेटा बामे होवे जमाने ते बुरा, अम्मा हर गिज नहीं कर दी दिलों बदुआ, आखे बेटा जबानी गरक हो जावे पर दिलों आख दी रब हो भी मेहरबान। जदो मां वेखेगी बेटा जहन्नम जा रहा है ते रो के गेगी अल्लाह ना ना ए ते मेरा बेटा है, इन्हें ते मेनू अग विच सुट दिता है, ए ते बर्दाश्त कर गया मां नू जला वेके, ए ते बर्दाश्त कर गया मां दी रूह निकल दी वेके। अल्लाह पर मेनू मां कहंदे ने, अल्लाह मेनू ममता कहंदे ने, अल्लाह मेनू रहमत कहंदे ने, अल्लाह मेनू माफ करन वाली जात कहंदे ने। अल्लाह मैं किवें वेख सकनी आ अपने बेटे नू जहन्नम दे अंदर जल दे। ए मेरे परवरदिगार तू गवाह हो जा मैं माफ कर छोड़िया ई, तू गुनाह हो जा गवाह हो जा मैं माफ कर दिता ई। अल्लाह मां दी वजह दे नाल मालिक बिन दिनार एदी मगफरत कर देगा। है कोई ऐसा रिश्ता जिस पर जुल्म हो और वो तुम्हें माफ कर दे? घर में घर वालों को एक कड़वी बात कह दो ना तो दो हफ्ते तो वाल रबता ही नहीं होना। मुझे ये बात कह दी, मेरे लिए ये कलिमात बोल दिए, ये तो माँ बाप का रिश्ता ऐसा है कि तुम जो भी बकते रहो, जो बकवास नौजवान करते रहे, माँ बाप फिर अंदर जाकर या अल्लाह इन्हू तो पता नहीं चलता, तू इधर राम ही करी, तू इसते राम ही करी। आ नौजवान ख्याल कर, तवज्जो कर माँ बाप दे हुकूक वल, तेरा बाप तेरे नाल नाराज ना होवे। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को वसीयतें की और क्या क्या वसीयतें की? वेद कौल लुकमान लिबनी ही बहुवा याइज़ुहु या बुनैया ला तुशरिक बिल्ला। अल्लाह ने वली ने फरमाया कि रब दा शिरक नहीं करना, रब नाल किसी नु शरीक नहीं। ठीक क्यों? इन शिरक लज़ुल्म अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा जुल्म अज़ीम है। और नाल ही फरमाया वसैन अल इंसान बि वालिदैहि हुस्ना, अपने वालदैन नाल हुसने सलूक करने। मुफस्सरीन ने लिखिया हुसने सलूक की है, एक मैं किसी नाल नेकी करा वह भी मेरे नाल उन्नी नेकी करे, ए बदला है, ए नेकी दा बदला नेकी नाल। एक नो मैं थोड़ी ने की करा वो मेरे नाल उन्नी ने की करे, ते नाल फिर मेरे नाल वाद के करे, नो हुसने सलूक कहंदे ने। फरमाया ऐ बंदे आ तेरे माँ बाप जितना तेरे नाल कीता है तो इदे नालो वध के कर बंदा कदी भी नहीं कर सकदा। आका ने फरमाया सारी जिंदगी बंदा लै के माँ बाप नो अपने कंधियां ते बिठा के हज करवांदा फेरे, तवाफ करवांदा फेरे, तो फिर भी एक दुध दी घुट दा हक अदा नहीं कर सकदा जिहड़ा बचपन दे अंदर माँ ने तेनू पिलाया है। इसलिए नौजवान तेरे रिश्ते टुटदे ना टुट जान पर माँ बाप नहीं जाने चाहिए। तेरी बरादरी नाराज हुंदी आ हो जा आए पर माँ बाप नाराज नहीं होने चाहिए। तेरा कबीला खानदान जाता है चला जाए पर माँ बाप नाराज नहीं होने चाहिए। तेरी बीवी तेरा घर छोड़ के चली जावे अल्लाह तेनू और अता कर देगा। ये मापे एक बारी चले गए दोबारा नसीब कोई नहीं जे होने। अज मेरे आका दी माँ जा रही है 6 साल की उम्र मुबारक है, आका फरमाते ने मैनू याद है मैं चार पाई का पाया पकड़ के अपने
अपनी मां दे जनाजे नाल किवें चल रहा सी, ना मैनू कोई सहारा देने वाला। उम्मे ऐमन ते घर दी खादमा सी, ते खादम ते कोई सहारा नहीं ना हुंदे। मैं आका मैं मुहम्मद अपनी मां दा जनाजा वेख्या है, अपनी मां नू दफन हुंदा वेख्या है। जिहड़े पहाड़ मैं मुहम्मद ते गिरे ने, पर अल्लाह दियां मर्जियां ने, ये अल्लाह दियां कुदरतां ने। अल्लाह ने मेरी मां नू भी उठा लिया, मेरे बाप नू भी उठा लिया, ताकि जदों भी लोड़ पए मुहम्मद नू किसे चीज दी, सिर्फ मेरे सामने हाथ फैलाए, ना अम्मी कह के मंगे, ना अबू कह के मंगे, सिर्फ मेरा ही सवाल ही बन के रह जाए। इनू लैन विच मजा आए, मैनू देन विच मजा आए। तो हमारा अब कई दोस्त ऐसे हैं कि जिनके वालदैन दुनिया से चले गए। हदीस पाक में आता है, हदीस मिंबर मशहूर है कि अल्लाह के नबी मिंबर पे तशरीफ़ लेके आए तो फरमाया, हलाक हो जाए वो बंदा जिसके सामने मेरा नामे नामी आए, इसमें ग्रामी आए, वो दरूद ना पढ़े, वो दरूद ना पढ़े। तो ये जिब्राइल ने बद्दुआ की तो हुजूर ने आमीन फरमाया। दूसरी बद्दुआ, आका तबाह बर्बाद हो जाए वो बंदा जिदे जिंदगी विच रमज़ान आए तो अल्लाह को रो रो के अपनी बख्शिश ना करवा ले। तो हुजूर ने फरमाया आमीन। तीसरी बद्दुआ, तबाहो बर्बाद हो जाए वो बंदा जिदी जिंदगी दे अंदर माँ बाप बूढ़े हो जान, उन्हां दी खिदमत करके अल्लाह नू राजी ना कर लवे, वो भी तबाहो बर्बाद हो जाए। आका ने फरमाया आमीन, मोहर लग गई। इंज किसी की दुआ कबूल होवे या ना होवे, जिदे ते आमीना दे लाल दी आमीन होवे, वो दुआ भी रद नहीं हुंदी, वो बद्दुआ भी रद नहीं हुंदी। आका ने फरमाया अल जन्नत तहत अकदामिल उम्महाती, तुहाडियां मावां दे कदमां थले अल्लाह ने जन्नत रख छोड़ी है। आज हम पीरों से दुआ कराते हैं, उलामा से दुआ कराते हैं, उस्तादों से दुआ कराते हैं, भाई मेरे लिए दुआ करना, बड़े बड़े लंबे सफ़र करके दुआ करवाने जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं जो पावर हाउस दुआ वाला तेरे घर बैठा है, ये चार पाई पे जो हड्डियों का ढांचा पड़ा है, उसकी ज़ुबान हिल रही है, उसका जिस्म इतनी हरकत भी नहीं कर सकता, ये जो सफ़ेद रीछ बैठा है तेरे घर के अंदर चार पाई पे, जिसका तू हाल पूछने के लिए तैयार नहीं, जिसकी खिदमत करने के लिए तैयार नहीं, जिसके कपड़ों के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं, और एक तहमद और एक कुर्ता 6 माह के बाद ला के देता है, ले बाकी याद करेगा सूट पा, आप तेरी जूती भी 5,000 वाली, तेरा सूट भी 10,000 वाला, तेरी वास्कट भी 5,000 वाली, और तेरी टोपी भी 6,000 वाली, अपना मामूलात तेरे ऐसे है कि तू अपने बच्चों के लिए तड़प तड़प के खरीदो फरोख्त करता नजर आए। ना माँ के कपड़ों की फिक्र है, ना बाप के कपड़ों की फिक्र है, ना माँ की सहूलत की फिक्र है, ना बाप की सहूलत की फिक्र है। फरमाया इन पे हजारों खर्च करता है, तुझे कोई दुआ नहीं मिलती। ओए माँ बाप पे 100 खर्च करके देख, तुझे लाखों दुआएं देते नजर आएंगे। करे तो सही, करोगे? सारे बोलो करोगे। और दूसरी बात, रमज़ानुल मुबारक जब आता तो हुजूर अलैहिस्सलाम 3 काम बढ़ा देते। पहला काम, अब तो गुजर गया, पहला काम अल्लाह के नबी इबादत ज़्यादा करते। क्या करते? इबादत ज़्यादा करते। और दूसरा काम अल्लाह के नबी सखावत ज़्यादा करते। अल्लाह इबादत तो अल्लाह के नबी की पहले भी मशहूर थी कि जब हुजूर इबादत किया करते थे, पाँव मुबारक को वर्म आ जाता, पाँव मुबारक सूज जाते थे, लेकिन रमज़ान में और बढ़ा देते। सखावत तो आका की पहले भी बड़ी मशहूर थी। साड़ी सखावत यह है कि बटुआ कढ़िया, शाह साहब बटुआ कढ़िया, दे विचों 100 कढ़िया ते ओ दिता, ते बाकी बटुआ जेब विच। मैं कल परसों ना एक इश्के इलाही और इश्के मुस्तफा ते बयान किया कि यार सानू रब हुक्म दिंदा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी, भई अगर तुसी अल्लाह नाल मोहब्बत करना चाहते हो तो मैं मुहम्मद की इतिबा करो। इतिबा की चीज़ है कि नमाज फ़र्ज़ है, नमाज शुरू की थी, सुर फातिहा पढ़ी, नाल सुर इखलास पढ़ी, सारिया रखता में छोटिया सूरत पढ़िया, सलाम फेरी, नमाज हुई कि नहीं? नमाज हो गई, अल्लाह का हुक्म पूरा हो गया। भाई छोटिया छोटिया सूरत पढ़ के नमाज न पूरा कर लेना, ये इतिबा है।
तो एक एक रकात विच छे छे सपारे पढ़ना ये इश्क है। ये की है? इश्क है। मौली साहब फितराना किन्ना है जी? 250 रुपया। वो नहीं जी, दूसरे मौली साहब अलामा साहब 220 कह रहे थे। जिहड़ा घट कहे ना उसकी हमायत में ज़्यादा अल्फाज बोलने जी। उन्होंने तो घट दसे से, तुम वध दसते पे हो। 220, 230, 250 देना, ये अल्लाह का हुक्म पूरा करना है, ये इत्तिबा है। तो घरों सारा कुछ लिया के दे देना, ये इश्क है। ये की है? ये इश्क है। कुरान करीम की आयत नाजर हुई, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून। हुणे ऐलान बंदा करे भई अल्लाह का घर है, इसमें देना है। हम सब ने क्या करना? देने तो सब ने हैं, बटुए से निकाल के देने हैं। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह हाजिर हुए, आका जी ये आयत नाजल हुई है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि उस वक्त तक बंदा नेकी नहीं पा सकता जब तक कि अपनी पसंदीदा माल में से खर्च ना करे। मिन जो है ये तबईज़ है, यानी बाज माल वो जो पसंदीदा है उसमें से खर्च ना करे, मोमिन नहीं हो, नेकी नहीं पा सकता। तो चाहिए तो ये था ना कि अबू तलहा आगे कहते, आका ये मेरा बड़ा ही प्यारा मुझे पसंद बाग है, इसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 दरख्त में अल्लाह की राह में वक्फ करता हूँ। इत्तिबा हो जाती है, अल्लाह के हुक्म की इत्तिबा हो जानी थी। अबू तलहा ने कहा, आका मैनू बाग बड़ा पसंद है, मैं सारा ही दिना, 2-4 विचों देने, ये इत्तिबा है, तो सारा ही रब की राज लुटा देना, ये इश्क है। घरों माल लैन हजूर भेजन, तो उमर अद्धा चुक के लैन, तो अबू बकर सारा ही चुक के लैन, 100 विचों 250 रुपये ज़कात देना, ये सानू शरीयत दसिया है, तो पूरा 100 दे देना, ये सानू सिद्दीक दसिया है। हमारा हाल तो ये है, हमारे वालदैन दुनिया से चले गए, उनके ही साले सवाब के लिए कोई ऐसा काम कर जाए कि वो कब्र में हो, उनकी कब्र ठंडी हो जाए। रमज़ानुल मुबारक में 1 रुपया खर्च करना 70 रुपये के बराबर है, और यूँ कह लो कि 1 के अल्लाह 10 देता है। मन जा अबिल हसन अतिफला हुआ शुरू अमसाली हा, जो 1 अल्लाह की राह में खर्च करे अल्लाह 10 देता है। और दूसरी तरफ अगर रमज़ान में करे तो 10 को 70 के साथ ज़रब दो, कितना मान जाता है? 700। 1 रुपया खर्च करने पर अल्लाह 700 अता फरमाता है। ये तो उस दिन मुल पाएगा जिस दिन क़यामत वाले दिन अल्लाह फरमाएगा, ये तेरी सखावत का अजर है, ये फलां जगह तूने सखावत की उसका अजर है। बंदा कहेगा, या अल्लाह काश मैं अपने ऊपर खर्च ही ना करता, सारा तेरी राह में लुटा के आ जाता। टाइम हो गया ना? तो भाई बात यह है, ये मस्जिद है आपके सामने, ज़ेर तामीर है, और माशाल्लाह बड़ी जल्दी तामीर हो गई है। अभी इस मस्जिद के ऊपर 1.5 लाख रुपया कर्जा भी है, और उसके बाद आगे इंशाल्लाह काम भी करना है। तो अपने वालदैन जिनके चले गए उनके साले सवाब के लिए, बुज़ुर्गों के साले सवाब के लिए, अगर हम इस मस्जिद में कोई हिस्सा डाल देंगे ना अपने आमाल की बढ़ोतरी के लिए हिस्सा डाल देंगे, तो इंशाल्लाह क़यामत तक यहाँ जुमे भी होते रहेंगे, तरावी भी होती रहेगी, और नमाज़ें भी होती रहेंगी, बच्चे भी पढ़ते रहेंगे, कुरान करीम की तालीम भी दी जाती रहेगी, और इंशाल्लाह क़यामत तक आबाद रहेगी। मैं चला जाऊँगा, आप चले जाएँगे, हम सब चले जाएँगे, अल्लाह के घर बाकी रहेंगे, रहेंगे भी रहेंगे। तो हमारा हिस्सा पड़ जाए तो हमें अजर नहीं मिलेगा,